जैसे मैंने अभी बीएड किया है, अभी मेरी बीएड कंप्लीट हुई है, तो क्यों ना हम इन बच्चों के लिए कुछ कर जाएं। अब इतनी देर हमने मतलब सारा दिन और क्या करना है ना, प्रोटेस्ट पे आए हैं, तो हम क्यों ना इनकी भी ज़िंदगी सवर जाए, इनको कुछ सिखा जाए, जो हमने पढ़ा है वो किसी के काम आ जाए। तो हमने ये मतलब अपना शुरू किया इसलिए। फर्स्ट डे हमारे पास 12 बच्चे आए थे और 2 वॉलंटियर, और आज 8वां 9वां दिन है, और आज हमारे पास ऑलमोस्ट दिन में 60-65 बच्चे आ जाते हैं, और ऑन एन एवरेज 8 वॉलंटियर होते हैं। आज 10 आए हैं, बट मतलब कम ज़्यादा ऐसे होते रहते हैं। मैं जा रही थी तो दीदी याली दीदी तो बच्चे को पढ़ा रही थी, तो मैंने सुनी इन दीदी की आवाज़, मैंने बोला ये दीदी तो पढ़ा रही है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि इनसे भी मैं पूछ लेती, मेरे को पढ़ाएंगी, तो पूछा तो दीदी ने बोला हाँ, तो मैं इसके आज पढ़ी, तो उसके अगले दिन बोला कि दीदी ने बच्चे तुम कैप्सी पे आ जाना। अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो इनके भी हक है ना एजुकेशन के। जैसे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना तो वो स्कूल भी नहीं जाते, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हमारा आधार कार्ड नहीं है, हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही। उनसे पूछो कि आपके सपने क्या हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं जब तो हमारे सपने भी नहीं होंगे, हमें तो सिर्फ किचन में काम करना है और जाके फैक्ट्रियों में काम करना है। सो हमारे पास अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा मतलब लेटर्स वगैरह आते हैं, नंबर्स आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो हमने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप का एक वॉलंटियर है। जैसे 6-7 का ग्रुप है, तो उसमें से जैसे बेसिक इंग्लिश मैथमेटिक्स जन ड्राइंग के थ्रू हमने एक्टिविटीज करवाई जाते हैं। अगर सोसाइटी के लोग जागरूक नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता, अकेली सरकार भी नहीं कुछ कर सकती और अकेले लोग भी नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जब लोगों के अंदर ये समझ आ जाए, वो अपने देश को खुद संभालने के योग हो जाए, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। वो तभी चेंज होगा अगर लोग पढ़े लिखे होंगे और जागृत होंगे। उधर मम्मी कहते हैं तू 4 बजे आते हैं हमेशा, मैंने बोल दिया मम्मी वहाँ पढ़ाई करती हूँ, तो मम्मी ने बोला जल्दी आकर, मैंने बोलती हूँ कि मैं मेरे को आने का दिल ही नहीं करता जब तक ये क्लास ना ख़त्म होती, जब तक आने का दिल ही नहीं करता। लर्निंग भी हो रही है, बच्चे जैसे उनके पास जो भी है उसमें वो बहुत खुश है, मतलब दे आर एक्साइटेड जब भी यहाँ पे आते हैं, हग करते हैं, मतलब छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं जो मतलब अच्छा लगता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि 8 दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं। आंदोलन एक जागृति लेकर आता है, आंदोलन से जो भी लोग जुड़ते हैं, चाहे वो फार्मर नहीं है, जैसे मेरी फैमिली फार्मिंग नहीं करती है ना, लेकिन हमने समझा खेती हमारा बेस है, अगर खेती के कानून गलत है तो उसका इफेक्ट दूसरे लॉज दूसरे मतलब पड़ेगा उसके पर भी, और कैटेगरीज पर भी पड़ेगा। तो इससे सारे लोग जागृत हों, चाहे वो एजुकेशन वाले हैं, चाहे वो मतलब जो भी नीड है, सबको होना चाहिए कि हमारे भी हक है। मैं पुलिस बनूंगी तो लोग कहेंगे हाँ बेटा इसने अपनी माँ का नाम रोशन कराई है, बहुत बड़ी होके कलेक्टर बनेगी, वो बनेगी, तो इसलिए मैं यही बनना चाहती थी, बस बचपन से यही सीखते हुए आई हूँ मैं। और इन बच्चों के जैसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो शायद ये कभी एक्सप्रेस भी ना कर पाते, मे बी इनको चांस ना मिलता। तो हमने जैसे ये भी सोचा है कि जैसे जब भी हमारा यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ से जाएंगे, तो हम इन बच्चों को आगे एनजीओस के साथ कनेक्ट करा के जाएंगे ताकि ये आगे करते रहें। अगर हमारा देश एजुकेट होगा तो डेवलपमेंट खुद होगी ना, तभी होगी ना डेवलपमेंट, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे। अब हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।